नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम एमएसएमई स्पेशल में। भारत में कई तरह के उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे, और भारत में इन्हीं उद्योगों को एमएसएमई की श्रेणी में रखा गया है। एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी NBFC भी कम ब्याज दर बिजनेस लोन प्रदान कर रही हैं। लेकिन इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का MSME रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि MSME आखिर है क्या। तो दोस्तों, MSME का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइसेस, यानी लघु, सूक्ष्म और मंझोले उद्योग। आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम छोटे आकार की इकाइयां हैं और ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार, निर्यात इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जो बड़े उद्योगों के लिए सहयोग का कार्य करते हैं, जैसे उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनके लिए सहयोगी चीजें बनाना, इसके अलावा खुद के भी कुछ प्रोडक्ट बनाना। भारत में सरकार इन उद्योगों को काफी बढ़ावा देती है और हाल ही में हुई घोषणाएं इसी बात का उदाहरण है। लेकिन इनका लाभ MSME रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। इसके तहत आने वाले उद्योगों में शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको शुरू करने के लिए कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन इन उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। MSME की तहत आने वाले उद्योगों को रजिस्ट्रेशन के बाद भारत सरकार की ओर से कर्ज और सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है। अब आपको बताते हैं MSME के फायदे। MSME रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लोन आसानी से मिल सकेगा, वो भी कम ब्याज पर। MSME पंजीकरण के बाद आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न योजनाएं हैं जो निर्माता को सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही आपको GST में भी छूट दी जा रही है और आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही आपको बिजली बिल में भी छूट मिलेगी। इसे प्राप्त करने के बाद आप विदेशी एक्सपो में भाग ले सकते हैं और आपको इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। मतलब ये कि MSME रजिस्ट्रेशन के बाद आप कई सारी सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही सरकारी टेंडर खरीदने में आसानी, स्टाम्प ड्यूटी में लाभ, बिजली बिल में भी छूट और सरकार आपको कई सारी स्कीम्स के तहत सब्सिडी भी देगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि MSME क्या है और इसके फायदे क्या हैं। जल्द ही हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि घर बैठे ही फ्री में कैसे MSME के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही आपसे अलविदा लेते हैं और जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का